सौ करोड़ 500 करोड़ की फिल्में बनती हैं, तो ये सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं है, ये एक बिजनेस का भी एक जरिया है। तो आप इसको उस रूप से देखें, इसके आप इसके साथ जुड़ें। आप जो भी हैं, आप एक्टिंग करना चाहते हैं, आप डांस करना चाहते हैं, या और भी कोई प्रतिभा आपके अंदर है, तो आप मुंबई आइए, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। कैलाश मासूम किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मुंबई के अंदर बहुजन समाज के युवाओं को प्रतिष्ठित करने में, फिल्म सिटी में, फिल्म लाइन में प्रतिष्ठित करने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। एक इन्होंने अपनी संस्था बनाई है, राष्ट्रीय महासचिव हैं, और जानेंगे कैलाश मासूम जी से कि किस तरीके से वो संस्था काम करती है और किस तरीके से बहुजन समाज के युवाओं को आगे लाने के लिए वो संघर्षरत है। मासूम जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जय भीम। मासूम जी, किस तरीके से आपकी संस्था काम करती है, और उसके मुझे लगा कि जिस तरीके से पिछले साल आपने उसकी ओपनिंग की थी, उसके अंदर बहुत बड़े नाम की फिल्मी हस्तियाँ भी हुई। हमारा जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर संगठन है, रिपब्लिकन फिल्म एंड टीवी एसोसिएशन, तो ये जो हमारा संगठन है ये बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जो भी हमारी कोशिश है कि जो प्रतिभाएं हैं, जो बहुजन समाज की जो प्रतिभाएं हैं, वो किस तरीके से आगे आएं और उनको प्रशिक्षित किया जाए, और जो उनकी तकलीफें हैं, जो वर्कर्स हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हमारा ये जो संगठन है, रिपब्लिकन फिल्म एंड टीवी एसोसिएशन, वो काम कर रहा है। बहुजन युवाओं को किस तरीके से आप स्थापित कर पा रहे हैं वहाँ पर, और अभी तक लगभग कितने लोगों को जो गायक हैं, गायकी के क्षेत्र में, मिमिक्री के क्षेत्र में, और भी फिल्म लाइन के अंदर जो क्षेत्र हैं उनके अंदर आप स्थापित करने में कामयाब हो पाए? बहुजन समाज के क्षेत्र से कोई अभी तक बहुत बड़े नाम तो सामने आते नहीं हैं, लेकिन जो छोटे स्तर पर जो लोग काम करते हैं, सिंगर हैं, एक्टर हैं, और भी बहुत सारे जो वर्क करते हैं जो लोग, तो वो लोग हमको मिलते रहते हैं, और हमसे जो भी बनता है उनको प्रोत्साहित करने का काम हम करते हैं और उनको मौका देने की कोशिश करते हैं, तो ये सब हमारा वर्क चलता रहता है। मासूम जी, जो पूरे देश से जो युवा आपसे मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और अपने काम की बदौलत वो कहीं ना कहीं स्थान भी आने वाले समय में प्राप्त करेंगे, तो उन लोगों को किस तरीके से आप जोड़ेंगे? आपका कोई ईमेल आईडी या कोई कॉन्टैक्ट नंबर? बस मेरा ये कहना है कि ये जो फिल्म इंडस्ट्री है, ये इसको जो है आप एक एंटरटेनमेंट के जरिए मत देखिए, एंटरटेनमेंट की नज़र से मत देखिए, एक बहुत बड़ा उद्योग है। यहाँ पर लाखों करोड़ों, 100 करोड़ 500 करोड़ की फिल्में बनती हैं, तो ये सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं है, ये एक बिजनेस का भी एक जरिया है। तो आप इसको उस रूप से देखें, इसके साथ जुड़ें। आप जो भी हैं, आप एक्टिंग करना चाहते हैं, आप डांस करना चाहते हैं, या और भी कोई प्रतिभा आपके अंदर है, तो आप मुंबई आइए, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। और इसमें आप मेरे ईमेल आईडी है, हमारी आप नोट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है kailashmasoom@gmail.com, दूसरा है kailashmasoom100@gmail.com। तो आप इस पे हमें कुछ भी कोई प्रॉब्लम है आपको, या आप आगे बढ़ना चाहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, तो आप हमें अपनी प्रॉब्लम्स लिखिए, बताइए, हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आपको मौका मिले अपने जो हमारा संगठन है उसके माध्यम से, और हमारे व्यक्तिगत माध्यम से उसको हम कोशिश करेंगे कि आप उसमें आगे बढ़ें। साथियों, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कैलाश मासूम ने यहाँ पर युवाओं के लिए रख छोड़ी है। अगर आपके अंदर टैलेंट है और आपको लगता है कि आप फिल्म लाइन के अंदर ऊपर तक जा सकते हैं, तो कैलाश मासूम जी ने जो अपनी ईमेल आईडी दी है उसके ऊपर आप संपर्क करें और कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाएं ऐसे युवाओं का जो तत्पर हैं आपकी समस्या के समाधान के लिए और आपको आगे बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश, अपना कीमती समय आपने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। समता आवाज टीवी की आपसे गुजारिश है, समता आवाज टीवी को जीवित रखने के लिए, समता आवाज टीवी को बचाने के लिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और उसके बराबर में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी जो नई अपडेट्स है वो आपको तुरंत मिलती रहे। समता आवाज की आपसे पुनः गुजारिश है, समता आवाज टीवी की हर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।